वेलकम टू मॉम्स किचन। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं खीर। इसके लिए जो साधन की हमको ज़रूरत है वो है मिल्क, दूध, किशमिश और कुछ तेज पत्ते। आज हम लोग गुड़ की खीर बना रहे हैं, तो ये सीजनल जो गुड़ है वो है, और साथ में आपको चावल, चावल उतना ही ले जितना आपके पास दूध की पैकेट है उसका एक एक मुट्ठा, ऐसे आप नाप लें। एक दूध 500 ml दूध के लिए आपको ऐसे ही चावल की रिक्वायरमेंट है। चलिए इसके लिए बर्तन लेंगे, थोड़े से मोटे तले वाले, क्योंकि दूध पकड़ने का डर होता है वरना। चलिए शुरू करते हैं। दूध को अच्छे से उबाल आने देंगे। दूध अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद ही आप इसमें जो तेज पत्ते हैं आपका उसको डालें, वरना दूध आपकी फट जाएगी। दूध गर्म हो चुके हैं और उबाल आने ही वाला है, तो इसी स्टेज पे आप तेज पत्ते को डाल लें। दूध में उबाल आ गया है ना, अब इसी स्टेज पे आप इस पर चावल डाल दें। और चावल को पकने दीजिएगा और कंटिन्यू बीच बीच में इसको चलाते रहें, वरना नीचे से ही, क्योंकि दूध है तो नीचे से पकड़ने का डर है, तो थोड़े थोड़े देर में इसको चलाते रहिएगा। और तब तक पकाइए जब तक ये चावल आप निकाल के देखिएगा नरम नहीं पड़ जाते। बीच बीच में हिलाते हुए चलाते रहिएगा जैसे मैंने कहा है। एक बार चावल को चेक कर लेंगे कि ये पका है कि नहीं। देखिए चावल टूटने लगे हैं, मतलब ये करीब करीब और 10-15 मिनट होने वाले हैं। इसी स्टेज पे आप जितने भी आपके पास किशमिश रखे थे ये डाल दें और अच्छे से मिला लें, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दें। देखिए चावल बहुत अच्छे से पक गए हैं, दिख रहा है आपको। देखिए किशमिश भी फूल गई है। अब इस स्टेज पे आप जो जैगरी है आपकी, गुड़ है, उसको आप ऐड कर दें। और इसको अच्छे से मिला लें, क्योंकि ये खजूर का गुड़ है तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, और अगर आप दूसरा कोई गुड़ यूज कर रहे हैं तो उसको टुकड़े करके डालें। गुड़ पूरा मेल्ट हो चुका है और ये अच्छे से पक भी गया है। इसी कंसिस्टेंसी में आपको खीर को उतारना है। गैस बंद कर ले, खीर को निकाल ले और इसको ठंडा होने के बाद सबको परोसे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। नए जो विजिटर्स हैं वो इसको सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे के वीडियोज़ आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।